श्लोक सुना ना, अभी मैंने कहा अज्ञान अतिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये ऐसा अंजन है गुरु जिसको आंख में लगा देने भर से भूत भविष्य वर्तमान तीनों का संकेत मिलने लगता है, इस श्लोक में है। दूसरा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, आप सब जानते हैं गुरुदेव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन स्थितियां हैं सृष्टि की, वो क्या है? सृष्टि, स्थिति, संहार। तीनों के तीन देवता और तीन देवताओं की तीन शक्तियां हैं। जैसे ब्रह्मा की शक्ति महासरस्वती है, विष्णु की शक्ति जो पालन करते हैं वो महालक्ष्मी है, और शिव जो संहार करते हैं तांडव करते हैं उनकी शक्ति महाकाली है। तो तीन महाशक्तियों को हम साथ में जब लेते हैं तो इसको शक्ति उपासना कहते हैं। गुरु इन तीनों शक्तियों को समेकित करते हुए इनसे ऊपर का पद परब्रह्म होता है। परब्रह्म इसलिए है कि इन शक्तियों से बंधा भी नहीं है और इनके बिना चल भी नहीं सकता। एक ऐसी स्थिति है जैसे रेल की दो पटरियां इतना भार ढो रही हैं लेकिन दोनों मिलती मिलेंगे तो क्या होगा? खतरा। तो गुरु उस महान पद पर होता है जो ब्रह्म से भी ऊपर है, इसीलिए गुरु को परब्रह्म कहा गया, उससे तुलना की गई कि तीन जो ईश्वर है इससे भी ऊपर गुरु है, ये गुरु का महत्व माना गया। अब आप दूसरा सवाल इस पर जुड़ा हुआ कर सकते थे कि गुरु को इतना महत्व क्यों? देखिए समाज में सवाल आपको भी करना है, मैं ही उठा देता हूं। जब इतने ग्रंथ हैं, सारे मंत्र छप गए, सारी विधियां छप गई, तो गुरु क्या करेगा? गुरु क्या जरूरत है? आप तो घर बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं। गुरु को समझने का दो ही अर्थ है, गु मैंने नकार, रू मैंने प्रकाश। आपके भीतर सब कुछ है, आपके घर में सब कुछ है, लेकिन आप भोजन नहीं बना सकते। इसके लिए दो चीज चाहिए, एक कला चाहिए और दूसरा समय की जानकारी। गुरु इन दोनों चीजों को जानता है कि आप तो ब्रह्म हैं, आप खुद भी ब्रह्म हैं, हम भी ब्रह्म हैं, आप भी सर्वम खलविदम ब्रह्मम, लेकिन आप ब्रह्म बनेंगे कैसे? आपके भीतर जो स्टैटिक एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी यानी गतित ऊर्जा में बदल देंगे तो फिर आप गुरु हो गए और शिष्य भी आपकी तरह धीरे धीरे वही हो जाएगा।